मित्रों, 12th स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 प्रायिकता यानी संभावना के अंदर आज अपने सेक्शन सी के सवालों को देखेंगे। तो सेक्शन सी के अंदर सवाल नंबर 12 देखिए, तो इस सवाल के अंदर आपको दिया है प्रोब ऑफ ए बराबर 1/3, प्रोब ऑफ बी बराबर दिया है 2/3 और प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया है 1/6। और आपको ज्ञात क्या करना है, प्रोब ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या ज्ञात करना है, प्रोब ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब प्रोब ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का सूत्र जो है वो होता है, तो प्रोब ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का सूत्र होता है 1 - प्रोब ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ज्ञात करने के लिए आपको 1 - प्रोब ऑफ ए यूनियन बी का सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हो। तो आपके पास प्रोब ऑफ ए यूनियन बी नहीं है, तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड प्रोब ऑफ ए यूनियन बी। आपको क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रोब ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करने का सूत्र है, प्रोब ऑफ ए यूनियन बी यानी योग का नियम, प्रोब ऑफ ए प्लस प्रोब ऑफ बी माइनस प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब आप देखेंगे तो प्रोब ऑफ ए की वैल्यू आपके पास में है कितनी, 1/3। प्रोब ऑफ बी की वैल्यू भी आपके पास में है कितनी, 2/3। और माइनस प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी आपको दी हुई है कितनी, 1/6। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 6 का लसा लेंगे अपने, तो यहाँ लसा कितना आया, 6 + 3 = 6 2 × 2 = कितना हुआ, 4 माइनस कितना, 1। तो 4 और 2 = 6 में से 1 गया तो 5, तो आपको मिला कितना, 5/6। अब आपके पास प्रोब ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू मिल गई। अब आप इस सूत्र के अंदर रकम रख सकते हैं, तो प्रोब ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1 - प्रोब ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 - कितना करेंगे, 5/6। तो 1 - 5/6 गया, तो 6 का 6, 6 - 5 गया, तो 1/ कितना मिला, 6। तो इस प्रकार आप प्रोब ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ज्ञात कर सकते हो। सवाल नंबर 13 देखिए, 13वें सवाल के अंदर क्या दिया है। तो सवाल नंबर 13 के अंदर आपको प्रोब ऑफ बी बराबर 2 / A/B = 0.4 दिया हुआ है, और आपको ज्ञात करना है प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, तो इन दोनों के बराबर आपको वैल्यू कितनी दी है, 0.4। तो अपने यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोब ऑफ बी बराबर कितना है, 0.4, और 2 / A/B = कितना है, 0.4। तो A/B की वैल्यू आपको मिल जाएगी, A/B बराबर 0.4/2। तो यहाँ वैल्यू कितनी मिली, 0.2। क्लियर, अब आपको ज्ञात क्या करना है, प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए A/B का सूत्र लगा देते हैं। तो A/B का सूत्र क्या होता है, प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोब ऑफ बी। अब इस सूत्र के अंदर अपने रकम रख देते हैं, तो प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास में है नहीं है, प्रोब ऑफ A/B है कितना, 0.2। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन बी रखा, और प्रोब ऑफ बी के बदले कितना रखा, 0.4। क्लियर, अब आपको प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की कीमत मिल जाएगी, तो प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 0.4 × 0.2 = 0.08। कितनी कीमत मिली, 0.08। क्लियर, चलिए सवाल नंबर 14 पे चलते हैं अपने। तो सवाल नंबर 14 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि घटना ए और बी कैसी है, निरपेक्ष घटना है, और यहाँ दिया है कि 3 / A = 2 / B = कितना दिया है, 0.12, यानी दोनों की कीमत बराबर कितना दिया है, 0.12। तो सबसे पहले तो अपने 3 / A = भी ले लेते हैं 0.12, और 2 / B = भी ले लेते हैं कितना, 0.12।
और अपने प्रोब ऑफ ए और प्रोब ऑफ बी की कीमत ज्ञात करते हैं, तो प्रोब ऑफ बी ए बराबर क्या हो जाएगा 0.12, ये बटे में चला जाएगा 3, तो प्रोब ऑफ ए बराबर आपको मिला 0.04 और प्रोब ऑफ बी बराबर मिला 0.06। अब यहाँ देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी कैसी घटना है, निरपेक्ष घटना है, तो निरपेक्ष घटना के अंदर प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का सूत्र होगा प्रोब ऑफ ए गुणे प्रोब ऑफ बी, ए और बी का गुणा हो जाएगा, तो प्रोब ऑफ ए कितना है 0.04 इंटू बी कितना है 0.06। अब इन दोनों का गुणाकार कर देंगे तो आएगा 0.0024, दैट्स द वैल्यू ऑफ प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। चलिए सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है आपको, 5 प्रोब ऑफ ए बराबर 3 प्रोब ऑफ बी बराबर 2 प्रोब ऑफ ए यूनियन बी बराबर 3/2 दिया है, और आपको ज्ञात क्या करना है, प्रोब ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रोब ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए प्रोब ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसके लिए कीमत ज्ञात करनी पड़ेगी, तो सबके बराबर कितना दिया है 3/2, तो अपने करेंगे 5 प्रोब ऑफ ए बराबर 3/2, 3 प्रोब ऑफ बी बराबर भी लेंगे कितना 3/12, और 2 प्रोब ऑफ ए यूनियन बी बराबर भी लेंगे कितना 3/2। क्लियर। तो यहाँ प्रोब ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी, प्रोब ऑफ ए बराबर हो जाएगा 3, ए बटे में चला जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा 5, तो प्रोब ऑफ ए की कीमत मिली कितनी 3/10। इसी प्रकार प्रोब ऑफ बी की कीमत भी मिल जाएगी आपको, प्रोब ऑफ बी बराबर 3, ये बटे में चला जाएगा, 3 × कितना हो जाएगा 2, तो प्रोब ऑफ बी बराबर आपको मिला कितना 3/6, और प्रोब ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 3, ये भी बटे में जाएगा यानी 2 × कितना हो जाएगा 2, तो प्रोब ऑफ ए यूनियन बी बराबर मिला कितना 3/4। क्लियर। अब इसके ऊपर से आपको ज्ञात करना है इंटरसेक्शन, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए आपको पता है कि योग का सूत्र क्या होता है, प्रोब ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोब ऑफ ए प्लस प्रोब ऑफ बी माइनस प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ आपके पास यूनियन है, तो ए यूनियन बी के बदले कितना रख देते हैं 3/4 बराबर, प्रोब ऑफ ए की कीमत भी है 3/10 प्लस 3/6 माइनस प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अब इंटरसेक्शन को अपने साइड में ले लेते हैं, तो प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस तरफ आ गया, तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/10 प्लस 3/6 माइनस 3/4। अब इसको अपने क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 10, 6 और 4 का अपने लसा देख लेते हैं, तो 10, 6 और 4 का लसा निकालेंगे, 5, 3, 2 ये हो गया 2, 5, 3, 5, 6, 15, 3, 30, 60 कितना आया 60। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ कितना है 10, तो 10 को 6 से इंटू करेंगे तो 60 होगा, तो 6 कितना हो गया 18 प्लस यहाँ पे भी कितना 10 से 10 दिया कितना हो गया 30, यहाँ हो गया 15, 15 दिया कितना हो गया 45, तो ये हो गया 48 माइनस 45, तो ये कितना आ गया 3/60 कितना आया 3/60। ये किसकी कीमत मिली, प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी कीमत आप उसके अंदर रख सकते हो, तो चलिए प्रोब ऑफ क्या ज्ञात करना है, ए डैश यूनियन बी डैश बराबर 1 माइनस प्रोब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 1 माइनस 3/60, तो 60 वैसे गया, तो ये आया 57/60।
दैट्स द वैल्यू ऑफ प्रोब ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर? तो इस प्रकार आप ये चारों चार सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये चारों चार सवाल समझ में आ चुके होंगे। आगे के सवाल अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।